प्रार्थना के साथ हम बाइबल क्लास में जाएंगे ताकि ये बाइबल क्लास कोई दिखावटी बात ना हो जाए हमारे आत्मिक जीवन में, कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कारण बन जाए। परमेश्वर ने मुझे जो सेवा दिया है उसमें से एक खास हिस्सा टीचिंग है, परमेश्वर का वचन सिखाना है। पिछले तकरीबन 40 साल हो गया देश विदेश में परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए और सीखने के लिए भी परमेश्वर ने मेरा जीवन में मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पास्टर मैल सिंह के लिए और चर्च के लिए, परिवार के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु का दास ने परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, वचन के अनुसार कलीसिया को बनाने के लिए जो इच्छा प्रकट किया है, ये एक छोटी बात नहीं है। हमारे आसपास बहुत तेरे चर्चेस सिर्फ आराधना में या हीलिंग मिनिस्ट्री में, चंगाई सभा में सीमित है, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर का वचन के अनुसार सीखना है। जब यीशु मसीह ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकों को रखा है, 5 प्रकार की सेवक, उसमें से पहले है प्रथम प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, सुसमाचार प्रचार करने वाला और पासबान। हम इस सभी को पास्टर बोलते हैं, कोई गलती तो नहीं है, लेकिन एफेसियों के पत्र में 5 सेवक, 5 है। प्रेरित अलग है, पास्टर अलग है, इवेंजलिस्ट अलग है, भविष्यवक्ता अलग है, उपदेशक अलग है। उस 5 में से एक सेवा है उपदेशक, टीचर। इसका मतलब टीचिंग, परमेश्वर का वचन सीखना हमारा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए और कलीसिया का उन्नति के लिए भी बहुत जरूरी है। जो चर्च, जो विश्वासी का जीवन वचन का बेस पर नहीं है, वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। इस मसीह ने एक दृष्टांत बुलाया था, चट्टान के ऊपर बनाने वाला घर और रेता के ऊपर बनाने वाला घर। इस मसीह ने बोला वचन के ऊपर, वचन सीखकर वचन के अनुसार जो सेवा करते हैं वो चट्टान के समान है, तूफान आएगा, आंधी आएगा, गिरेगा नहीं। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन केवल सिर्फ चंगाई के ऊपर नहीं, बरकतों के ऊपर नहीं, परमेश्वर का वचन के ऊपर बेस होना चाहिए, नींव डालना बहुत जरूरी है। आजकल वचन सीखने का इम्पोर्टेंसी, खासियत इतना बढ़ चुका है, ज्यादा से ज्यादा सेवा जो है भीड़ को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं बोला भीड़ को इकट्ठा करो। यीशु मसीह का जो महान आज्ञा है, मत्ती की इंजील 28 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो और लिखा कि उसको चेला बनाओ। चेला बनाओ, भीड़ और है, चेला और है। लूका का इंजील 12 अध्याय इसके पहली आयत में भीड़ हजारों में होते है, चेला 12 ही होते हैं, चेला बहुत कम होते हैं। उसके बारे में यीशु मसीह ने बोला बुलाया हुआ लोग बहुत है, चुना हुआ लोग बहुत कम है। इसलिए अगर हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो वचन सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे काफी मन में खुशी है, खुदा इसे एक माहौल दिया है। प्रभु का मर्जी है तो महीना में दो बुधवार मैं आऊंगा प्रभु का वचन सिखाने के लिए, लेकिन प्रभु का दास मेल सिंह ने हर बुधवार बाइबल क्लास करेंगे, है ना पास्टर जी? जैसे परमेश्वर का आत्मा गुवाही देते वैसे करें। लेकिन मैंने पहली हर महीने का पहली बुधवार, हर महीने का तीसरी बुधवार, है ना पास्टर जी? ऐसे दो बुधवार मैं बाइबल क्लास के लिए, जब तक खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे मैं आ सकता है। और भी जगह में बाइबल क्लास चलते हैं, और जलंधर में भी हमने बाइबल स्कूल शुरू करना है अप्रैल महीना से, तो इसलिए समय कम होने के कारण हम आपके पास दो दिन महीना में आऊंगा। तो आप लोग प्रार्थना के साथ वचन सीखने के लिए आए तो नोटबुक अपने हाथ में रखें, अगर कोई सवाल है आपका मन में आप लिख कर रखें, सवाल पूछ सकता है। बाइबल क्लास एक स्कूल के बराबर है, स्कूल है। जब वचन अच्छी तरह सीखेगा तो सवाल भी आएगा, तो आप सवाल पूछ सकता है क्लास के बीच में, नहीं बाद में। तो ऐसे आप सीखने के लिए तैयार हो जाए, सभी ने बाइबल नोटबुक साथ लेके आए, आप नोट करें। जो यहां पर सीखेगा वो वापस जाकर आप घर में भी उसको होमवर्क करें, आप उसको पढ़े और देखें। मैं अभी भी बाइबल सीखते हैं, अभी भी सीखते हैं। बाइबल एक समुद्र है, जितना गहराई में जाओ उतना ही मोती निकलेगा। इसलिए हमको एक इच्छा चाहिए, इसके अंदर क्या मोती है वो मैंने लेना है, उसी के अनुसार मैं मेरे जीवन को बनाना है। आज दोपहर के बाद भी जलंधर में तीन पास्टर लोग आया बाइबल सीखने के लिए, तीन लोगों के लिए मैंने बाइबल क्लास दिया, तीन लोगों के लिए कुछ प्रभु का दास लोग आया। मेरे बड़ा खुश होते, मेरा मन बड़ा खुश होता है। मैं जिंदगी में और कुछ नहीं चाहते, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे आखिरी श्वास तक मैं परमेश्वर का वचन के लिए, प्रचार करने के लिए, वचन सिखाने के लिए और परमेश्वर का वचन दिलेरी से बोलने के लिए मैं समर्पित हूँ। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, खुदा सबको आशीष दे। आइए हम बाइबल क्लास शुरू करने से पहले दो मिनट हम प्रार्थना करते। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन, तेरा वचन में लिखा है, तेरा वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, तेरा वचन में कभी भी बदलाव नहीं होते हैं। तेरा वचन के साथ ही सारे सृष्टि रचा गया है, तेरा वचन ही हमको खड़ा करते हैं। हम इंसान हैं, कभी कभी जैसे तेरा वचन समझना चाहिए हमको समझ नहीं होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हम आपका हाथ में हमारे जीवन को देते हैं। हमारा सबसे बड़ा टीचर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमको सहायता करो, हमको बुद्धि दो, हमको समझ दो। खुदा, तेरा वचन सीखकर हम तेरा सेवा में आगे बढ़े, मसीही जीवन में मजबूत हो जाए, दूसरा लोग कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब दे सके। प्रभु, मैं तेरा दास, मेरा इतना लंबा साल आपने मुझे चलाया, संभाला, इस्तेमाल किया। खुदावंत, मेरे सेवकाई के आखिरी समय में भी खुदा आपने मुझे तेरा वचन के लिए रखा है, इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे शुद्ध कर, पवित्र आत्मा मेरे ओंठों को छू, मेरे दिमाग को छू, कोई भी अनुचित बात मेरे मुंह से आ ना जाए। खुदावंत, तेरा वचन बोलने से समझने के लिए पवित्र आत्मा सबको तैयार कर, हमारा दिल दिमाग को शुद्ध कर। प्यारे यीशु मसीह, सिर्फ तेरा नाम महिमा हो जाए।
आपका नाम हमारी बाइबल क्लास के द्वारा प्रकट हो जाए। ये चर्च को प्रभु में तेरे हाथ में दे। ये चर्च पहाड़ में बनाया हुआ खुदा एक टावर जैसे आसपास सेवकों के लिए कलीसिया के लिए वचन का प्रकाश देने वाला एक चर्च बन जाए प्रभु। तो वचन काम करने के लिए जा रहा है इसलिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये चर्च के कैंपस में जो पैर रखेगा वो आशीष पाए। तेरे वजन की सामर्थ ये चर्च के अंदर बना रहे। खुदावंद इस ग्राउंड में जो लोग आएगा तेरे वजन छुए। हालेलुया। खुदा आसपास सभी चर्चेस के लिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो संस्था कोई भी हो सभी के लिए ये बाइबल क्लास ये चर्च एक आशीष का कारण बने। एक बार और हमको तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आज हमारा बाइबल क्लास का फर्स्ट डे है पहले दिन है इसलिए बाइबल का कोई भी सब्जेक्ट जब हम सीखे उससे पहले बाइबल के बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास सबके पास बाइबल है। बाइबल इस्तेमाल करना भी नहीं आते बहुत लोग। पास्टर लोग बहुत है लेकिन बाइबल नहीं पता। ऐसे हालात है इसलिए सबसे पहले बाइबल क्या है। हमारे हाथ में बाइबल कितना लोगों के पास बाइबल है अपना हाथ उड़ा कर थोड़ा दिखाइए। बाइबल किसने लोगों के पास है। आमीन। खुदा आपको आशीष दे और किसी तो बता देना आपको बाइबल जरूर मिलेगा। सबके पास बाइबल चाहिए इसलिए बाइबल सीखना है। बाइबल सीखना है। बाइबल के ज्ञान की कमी के वजह से बड़े प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए बाइबल सीखता है हमारे उन्नति के लिए। और बाइबल कहते हैं अगर कोई आपसे सवाल पूछे अगर आपसे कोई सवाल पूछे उसको जवाब देने के लिए हमको वचन सीखना जरूरी है। मैं प्रभु में आने से पहले एक नास्तिक इंसान था। नास्तिक मैं विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर है। नास्तिक था मैं बड़े वाद विवाद करने वाला था लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। मैं प्रभु को ग्रहण किया प्रभु का वचन सीखा। बाद में उल्टा वाद विवाद करना शुरू किया। बड़े न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल आते थे परमेश्वर है करके स्थापित कर। बड़े बड़े नास्तिक लोग मुकाबला करते थे मेरे साथ सवाले पूछते थे धमकी आते थे। अभी भी कुछ विषय के लिए कुछ साल पहले मैं ट्रिनिटी के ऊपर बाइबल क्लास ले रहा था। ट्रिनिटी के ऊपर एक किताब लिखा मैंने किताब लिखा एक दो किताब मैंने लिखा हुआ है। तो कनाडा से किसी ने मुझे धमकी दिया। कनाडा से किसी ने मुझे फोन करके धमकी दिया। मैंने बोला डराने का कोई जरूरत नहीं अब आ जाओ इंडिया में एक टेंट लगाओ टेंट में एक घंटा आप बताओ एक घंटा मैं बताऊंगा लोग पता चले सच्चाई क्या है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे आनंद देते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे दिल में सामर्थ्य देते हैं। इसलिए आज हमारा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे कंटिन्यू पढ़ाएंगे एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ाएंगे लेकिन आज एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं एक परिचय सिर्फ एक परिचय। उसके लिए बाइबल बाइबल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं बाइबल के बारे में उसको बोलते हैं बिब्लियोलॉजी। बाइबल का अलग अलग सब्जेक्ट है उसको सबको अलग अलग नाम है। बिब्लियोलॉजी एंजलोलॉजी थियोलॉजी एक्सेप्टोलॉजी ऐसे बाइबल का अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग नाम में पता चलते। उसमें से बाइबल के बारे में बाइबल की है ये की है बाइबल क्या है उसके बारे में सीखने के लिए नाम बोलते हैं बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी इसलिए बाइबल के बारे में कुछ जनरल बातें
बाइबल के बारे में कुछ जनरल बातें, आम बात हमको समझना बहुत जरूरी है। हमको मालूम है ये बाइबल नाम है, बाइबल है ना, हिंदी में भी लिखा है पवित्र बाइबल। ये बाइबल नाम जो है ग्रीक भाषा में बिब्लिया, एक शब्द है बिब्लिया। ग्रीक भाषा में बिब्लिया नाम से बाइबल नाम निकला है। बिब्लिया उस शब्द का अर्थ है किताबें, एक से ज्यादा बुक्स। बिब्लिया का मतलब है बुक्स। दुनिया का इतिहास अगर हम देखें, परमेश्वर के बारे में दुनिया में सबसे पहले लिखा हुआ पुस्तक है बाइबल। धार्मिक पुस्तक बहुत है, धार्मिक पुस्तक बहुत है, गुरु लोग लिखा के बहुत है, लेकिन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में सबसे पहले पृथ्वी में लिखा हुआ किताब है बाइबल। आपको मालूम है आज बाइबल जो शब्द है सारे दुनिया में मशहूर है ना, सबको मालूम है, नॉन क्रिश्चियन को भी मालूम है। पिछले दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जब प्रेसिडेंट बना था, आपने देखा होगा, उन्होंने बाइबल के ऊपर हाथ रख के क्या बोलते हैं, शपथ लिया है। बाइबल के ऊपर हाथ रख कर शपथ लिया है। इसी तरह आज पूरे दुनिया में बाइबल मशहूर है, हमको इस बात के बारे में पता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया हुआ तमाम बात का रूप है बाइबल। वो ध्यान से, मैं जल्दी नहीं जाएंगे, परमेश्वर परमेश्वर है, हम परमेश्वर के बारे में आगे सीखेंगे, थियोलॉजी में हम सीखेंगे परमेश्वर कौन है क्या है, बोल देंगे। परमेश्वर के बारे में अगर हमको समझना है बाइबल के द्वारा ही होगा। परमेश्वर ने जो बातें प्रकट किया है उस सारे बात का निचोड़ है बाइबल। आपको मालूम है बाइबल सबसे पहले लिखते थे पापिरस नाम एक वृक्ष का चमड़ा में लिखते थे, पापिरस। उस वृक्ष का और एक नाम था बिब्लस, बिब्लस नहीं तो पापिरस, एक बूटा है। उस बूटा से बनाया हुआ मोटा पेपर के ऊपर सबसे पहले बाइबल लिखा है। इसलिए उस मोटा पेपर के ऊपर सबसे पहले बाइबल लिखा है, इसलिए उस बाइबल को बिब्लियोन नाम मिला है, बिब्लियोन नाम मिला है। उसका अर्थ मैंने आपको बोल दिया, बुक्स, बुक्स, यही है इसका अर्थ। वो जो मोटा पेपर के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ जो बाइबल है ना, बिब्लियोस, वो इस समय में भी है। वो ब्रिटेन में म्यूजियम में रखा हुआ है, मैं देखा हुआ है। सिर्फ दुनिया में एक ही जगह में है वो कॉपी, वो ब्रिटेन में है, बहुत संभाला हुआ म्यूजियम में रखा हुआ है। मेरे पास है 100 साल से पुराना बाइबल, मेरे पास है, बहुत बड़े बाइबल है मेरे पास है।
और वो खोले का तो पाउडर बन जाना, वो कागज एकदम पाउडर बनेगा, बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर पड़े, नहीं तो पाउडर बन जाएगा। इतना पुराना है, इतना पुराना बाइबल अभी भी मैं संभाल कर रखा हुआ है, सबसे पुराना बाइबल। वो ये पापिरस नाम बूटा से बनाया हुआ मोटा कागज के ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट बाइबल लंदन में म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन जो पुराना नियम है, आपको मालूम है बाइबल में दो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम जो है वो सबसे पहले जानवरों का चमड़ा के ऊपर लिखते थे, जानवरों का चमड़ा के ऊपर। ये सारे जनरल नॉलेज है बाइबल के बारे में, कुछ जनरल नॉलेज में आपको बोल रहा हूं। लेकिन एडी दूसरी सदी से, दूसरी सदी या एडी दो से परमेश्वर का वचन को बाइबल नाम में लोग पुकारने लगा। पहले उसको बिब्लियोस कहते थे, बिब्लियोन कहते थे, लेकिन दूसरी सदी से एडी सेकंड तब से बाइबल नाम बुलाना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा है, यूनानी भाषा। लेकिन एडी 1382 क्या बोलते हैं इसको, 82 का क्या बोलते हैं, 1382 हिंदी में बोलिए थोड़ा, 1382 में बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। आपको मालूम है सबसे हमारा इंडियन भाषा में बाइबल कहां से मिला पता है? इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया। वो कौन ये ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया, उसका बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिलना अच्छा है। उसका नाम है जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ नाम एक महान प्रभु का दास ने बाइबल इब्रानी भाषा से या ग्रीक भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसलिए बाइबल जो नाम है लीगली विक्लिफ ने दिया है, बाइबल विक्लिफ ने बाइबल नाम दिया गया है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना के इंजिल 21 अध्याय उसका 25 आयत, थोड़ा पढ़िए यूहन्ना के इंजिल 21 अध्याय उसका 25 आयत थोड़ा पढ़िए, और दूसरा तिमुथियुस 4:13 भी पढ़िए, यूहन्ना 21:25। यूहन्ना 21:25 हाँ लिखा है ना, पुस्तक अभी पढ़ा है ना, उसके लिए बाइबल लिखा है, मूल्य भाषा में बाइबल का शब्द दिया हुआ है। दूसरा तिमुथियुस 4:13 मैं आपको बहुत शुक्रगुजार होगा अगर आप जल्दी जल्दी आयत निकाल कर पढ़े ताकि उतना समय बचा सकता है। हाँ यहां पर भी क्या लिखा है, पुस्तके, एक पुस्तक नहीं है, बुक्स। वहां पर भी मूल्य भाषा में बाइबल
लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है बाइबल लेके आना। आपको मालूम है दुनिया में सबसे फेमस, सबसे फैला हुआ बुक है बाइबल, सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला किताब है बाइबल। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सबसे पहले बनाया हुआ इंसान का नाम क्या है? आदम, हव्वा। तब से आदम लेके या हमारा पूर्व लोक, परमेश्वर ने डायरेक्ट बात करते थे, तब बाइबल नहीं था, आज हमारे पास बाइबल है। लेकिन आदम का जमाने में किताब नहीं था उनके पास, फिर कैसे परमेश्वर बात करते थे? डायरेक्ट बात करते थे। पढ़िए इब्रानियों का पत्री पगली अध्याय पगली आयत, इब्रानियों का पत्री पगली अध्याय पगली आयत, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांधी बांधी से भविष्य वक्तों के द्वारा बातें किया। अभी देखिए परमेश्वर पगले मनुष्य के साथ कैसे कैसे बातें करते थे, उसका लिस्ट दिया उधर, लिस्ट आप देखा, लिस्ट दिया है। क्या लिखा गया? परमेश्वर ने पगले पूर्वों से, आदम लेके हमारे पूर्व लोग हैं, पूर्वों से कैसे बात करते थे? जोर से बोलो बेटा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से मिलकर बोलिए थोड़ा थोड़ा, बोलो थोड़ा थोड़ा। पगले परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसे बात करते थे? थोड़ा थोड़ा करके, फिर बाधी बाधी से, और तो ध्यान से सुनिए ना, हमारे पूर्वों का समय में बाइबल नहीं था, तो परमेश्वर क्या करते थे? मेरे साथ आ जाओ, परमेश्वर कैसे बात करते थे? सीधे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पूर्वों को जब बात किया, हमारे पूर्व लोगों ने वो अलग अलग तरीके के साथ लिख रखा, वो लिख रखा। इसी तरह परमेश्वर ने मुंह से जो बोला हो और परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ हो, कलेक्ट करके इकट्ठा करके, मैं एक सवाल आपको पूछने के लिए चाहते हैं, बाइबल में सबसे पहले लिखा हुआ बुक कौन सा है? बाइबल में सबसे पहले लिखा हुआ बुक कौन सा है? नहीं पता। बाइबल में कौन सा बुक है पहले? उत्पत्ति। लेकिन पहले उत्पत्ति नहीं लिखा, यह बात आपने समझना। सबसे पहले लिखित रूप में बनाया हुआ बुक है अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब। जो बातें परमेश्वर ने मुंह से बोला, जो बातें लिखकर दिया, वो सारे कलेक्ट करके पुस्तक रूप में बनाया मूसा ने। उसके बाद सीनाई पहाड़ के ऊपर और इसराइल लोग मरुस्थल में जब सफर करते थे, परमेश्वर ने जो जो बातें किया, जो जो लिखकर दिया, जो जो हुक्म दिया, विधि दिया, वो लिखित रूप में बनाया, वो ये बाइबल का पगले पांच बुक। बाइबल का पगले पांच बुक का नाम थोड़ा बोलिए, उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया, गिनती, व्यवस्थावर, पांच बुक। उसको बाइबल कॉलेज
लैंग्वेज में बाइबल कॉलेज भाषा में पेंटेटोक कहते हैं, पेंटेटोक। बाइबल कॉलेज में जब हम पढ़ेंगे तो पेंटेटोक एक सब्जेक्ट है, पेंटेटोक मतलब ये पांच बुक, बाइबल का फर्स्ट पांच बुक को पेंटेटोक कहते हैं, पेंटेटोक। मैं फिर बोलना चाहते हैं, सीनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने पहले बोल कर दिया, फिर लिख कर दिया। पहले परमेश्वर ने क्या किया था, लिख कर दिया था, लेकिन मूसा ने वो तोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला तू लिख लो, लिख कर दिया, बोल कर दिया। ये सारे परमेश्वर का हुक्म नियम लिखित रूप में बनाकर बनाया हुआ बुक है, पहले पांच बुक। तकरीबन पेंटेटोक जो लिखा है, पहले पांच बुक जो लिखा है बीसी 1600 बीसी आपको मालूम है क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह आने से पहले के समय में। इतिहास को दो भाग में किया जाता है, बीसी और एडी। बीसी और एडी यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद। तो बीसी 1600 बीसी जो है ना उल्टा गिनती किए जाते हैं, 1600 1500 1400 1300 नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो एडी है, यीशु मसीह आने के बाद जो कैलेंडर है ना, ऊपर ऊपर थे 1 2 3 4 ऊपर जाते। ये बात ध्यान से ना, यीशु मसीह आने से पहले क्या करते थे, नीचे आते थे, नीचे गिनती किया जाते थे। एडी 1600 और 400 का बीच में जो समय है, उस समय में 30 अभिषिक्त लोग दुनिया का अलग अलग जगह में बैठकर लिखा हुआ पुस्तक है पुराना नियम। पुराना नियम कब लिखा था, बीसी 1600 और एडी 400 का बीच में लिखा है पुराना नियम। एडी 40 लेके एडी 95 तक, 95 को क्या बोलते हैं, 95। एडी 40 लेके 95 तक बीच में जो समय है, 8 परमेश्वर का अभिषेक लोग, 8 तैयार किया हुआ पुस्तक को हम नया नियम कहते। टोटल कितना बुक है बाइबल में, 66, 6-8 बोलते ना, टोटल बाइबल में 66 बुक है। आपको मालूम है जो बाइबल लिखने के लिए परमेश्वर ने जिसको जिसको इस्तेमाल किया, उसमें राजा लोग हैं, उसमें याचक लोग हैं, उसमें शेपर्ड्स है, शेपर्ड्स को क्या बोलते हैं, चरवाहा लोग जो भेड़ बकरी को चलाते हैं, उसमें डॉक्टर है, वैद्य है, उसमें मछली पकड़ने वाला है, उसमें ज्ञानी लोग हैं, अलग अलग प्रकार की लोगों को परमेश्वर ने बाइबल इकट्ठा करने में परमेश्वर का आत्मा ने इस्तेमाल किया है। अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग माहौल में लोग बैठकर बाइबल लिखा। ध्यान से सुनना, कुछ लिखा हुआ लोग आपस में मिला भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, उतना गैप है। लेकिन आपको मालूम है, अगर हम जब बाइबल पढ़ते हमको लगता है एक ही आदमी ने लिखा, हमको लगता है ना ऐसे, लेकिन 40 से ज्यादा लोग लिखने में खुदा ने इस्तेमाल किया। वो आपस में अलग अलग स्टैंडर्ड वाला लोग था, अलग अलग जमाना में रहा, आपस में जानता भी नहीं है कुछ लोग। लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ेगा हमको ऐसे लगता है एक ही व्यक्ति ने लिखा। एक क्यों है, तो अलग अलग लोगों ने लिखा,
लेकिन उसको इस्तेमाल किया एक ही पवित्र आत्मा ने। उसका नियंत्रण, उसका जो कंट्रोल है, एक ही व्यक्ति जैसे हमको महसूस होते हैं। बाइबल का संदेश क्या है? बाइबल के संदेश क्या है? बाइबल के संदेश वो ध्यान से सुनना, ये बात समझना। पूरा बाइबल की संदेश एक लाइन में मैं बताऊंगा। पापी इंसान, इंसान पापी बन गया, उस इंसान को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। वो योजना है यीशु मसीह का प्रायश्चित बलि। यही है पुराना और नया नियम का संदेश। फिर मैं बोलना चाहते हैं, पूरा बाइबल का संदेश शॉर्ट में की है, मनुष्य कौन है? पापी। बोलिए पापी। हर इंसान गुनाहगार है। उस मनुष्य को बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, छुड़ाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, एक प्रोग्राम। वो प्रोग्राम मनुष्य के उद्धार के लिए यही था, यीशु मसीह के मौत के द्वारा इंसान का बचाव हो जाए, मुक्ति हो जाए। आप सोचेंगे पुराना नियम में यीशु मसीह की तरह? पुराना नियम बोलता है यीशु मसीह आ रहा है, नया नियम क्या बोलता है? यीशु मसीह आ गया, बस इतना ही फर्क है। पुराना नियम और नया नियम के बीच में क्रूस, क्रॉस है, क्रॉस। पुराना नियम क्या बोलता है? पुराना नियम में जितना भी बलि चढ़ाया जाता है, बकरी को, कबूतर को बलि चढ़ाया जाता है, वो सारे बोलते हैं यीशु मसीह आ रहा है। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक वर्ग का कहता, देखो सारे संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। पुराना नियम नया नियम अलग नहीं है, दोनों में एक ही है, इतना ही फर्क है। बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं लिख कर दिखाना था आपको। पुराना नियम बोलता है जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, नया नियम बोलता है यीशु मसीह आ गया। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं इसी लेवल में हमने पढ़ना है। मैंने आपको बताया बाइबल लिखा हुआ भाषा, पुराना नियम इब्रानी भाषा में है और नया नियम ग्रीक भाषा में या जिनानी भाषा में लिखा है, लेकिन बाइबल का कुछ हिस्सा जो है अरामीय भाषा में भी लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। मेन भाषा हिब्रू और ग्रीक है। अभी भी जब बाइबल कॉलेज में, अभी मैं जब आपको बाइबल क्लास दे रहा है, सारे सिंपल करके सिखा रहा, बहुत हल्का करके आपको समझा रहे। अगर बड़े बाइबल कॉलेज में आप पढ़ने के लिए जाएगा तो आपको ग्रीक सीखना पड़ेगा, इब्रानी भाषा सीखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बाइबल के कोई शब्द का अर्थ क्या है उसके लिए इब्रानी भाषा में जाते हैं, इब्रानी भाषा में, इब्रानी भाषा से ग्रीक भाषा में, जिस भाषा में बाइबल सबसे पहले लिखा गया है, उसी से हर एक शब्द का अर्थ हमको मालूम हो जाता है। बाइबल परमेश्वर का मुगाशिबा है। मुगाशिबा के लिए हिंदी में कोई वर्ड बोल सकते हैं? मुगाशिबा, प्रकाशन। मुगाशिबा प्रकाशन। ध्यान से सुनना, हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, सबका दिमाग एक ही जैसे नहीं है। इंसान को अप
अपना लेवल में जो बात समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकता, उसको समझाने का काम है प्रकाशन। आपको मालूम है ड्रामा, आप देखते होगा ड्रामा, जब ड्रामा क्या करता है, ड्रामा के द्वारा पब्लिक को कुछ ना कुछ बात समझाते। इसी तरह बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है, बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। क्यों प्रकाशन का जरूरत है मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य अपने आप को परमेश्वर का प्रकाशन समझ नहीं सकता, इसलिए प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर का भेद समझाने के लिए कोशिश करते हैं। जो हमने इब्रानियों के पत्र पहली अध्याय पहली आयत में लिखा है, अलग अलग तरीका का प्रकाशन है, प्रकटीकरण, प्रकट होना है ना, परमेश्वर का प्रकटीकरण अलग अलग तरीका से है। इब्रानियों के पत्र पहली अध्याय पहली आयत में हमने क्या पढ़ा था, परमेश्वर ने आदि में पढ़ो पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बादी बादी से भविष्य वक्तों के द्वारा बातें की और आ गए। लेकिन अभी अंतिम समय आ गए। इस अंतिम समय में पुत्र के द्वारा बातें किया है। देखो अभी परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, थ्रू जीसस। कौन है पुत्र? यीशु मसीह। नया नियम मत्ती मरकोस लूका यूहन्ना यीशु मसीह के बयान है, फोर गॉस्पल एंजल बोलते हैं हम। तो यीशु मसीह अंतिम समय में यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया हुआ है। एक आयत पढ़िए, आमोस नबी के किताब तीसरी अध्याय उसका सात आयत पढ़िए, आमोस 3:7। आमोस नबी एक आयत पढ़िए, आमोस नबी के किताब, आमोस नबी के किताब तीसरी अध्याय उसका सात आयत पढ़िए, प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जो अपने सेवक नबियों को अपना पेट प्रकट ना करेगा। एक है नेचुरल रेवलेशन,
परमेश्वर में भेदों को प्रकट करते हैं दो तरीके से। पहली कौन सा है? नेचुरल रिवेलेशन। वो क्या है? आम बातों के द्वारा, ये जो हमारा आस पास जो चीज है ना, उसके द्वारा परमेश्वर ने बातें करते हैं। लेकिन ये जो बात के हमारा सामने आमने सामने जो चीज है उसके द्वारा जो परमेश्वर बात करते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। मैं आपको बोला था ना, मैं पहले नास्तिक था। एक बार मैं प्रभु में आने के बाद एक व्यक्ति मुझे पूछा, दिखाओ परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर को किसने बनाया, परमेश्वर कैसे बन गया, मैं कैसे बन गया, समझो मुझे कैसे बन गया, मेरे बाप का नाम बेटा, मेरे बाप कैसे बन गया, मेरे दादा का नाम बेटा, परमेश्वर का किसने बनाया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अध्यक्ष में एक एग्जाम्पल दिया, मैंने एक अंडा ले लिया था, अंडा, ये अंडा कौन से है आप लोग, मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, आखिर कहां पहुंचेंगे? परमेश्वर ने अपने शब्द से एक मुर्गी को बनाया। ये साधारण बातों के द्वारा हम परमेश्वर का भेद को समझ रहा है, ये साधारण लेकिन साधारण बातों से पूरी तौर से हम समझ नहीं पाएंगे। 19 देवर उसके पहली यात्रा पड़ी, 19 देवर पहली यात्रा, और कोई रोमियो का पत्र पहली अध्याय 19-20 आयत में पढ़ा, 19 देवर उसकी पहली यात्रा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए, परमेश्वर का महिमा क्या वर्णन करता है? आकाश ऐसे निकल रहा है, आकाश क्या बात कर रहा है? आकाश आप कर रहा है, क्या कर रहा है आकाश में? देखो बताया, एक बार मुझे एक नास्तिक बंदे ने पूछा, परमेश्वर को दिखाओ, दिखाओ परमेश्वर को, मैं देखना चाहता हूं। मैंने उसको दो जवाब दिए, मैंने बोला बिजली कहाँ है, बिजली जो देखे सब लोग, बिजली कहाँ है, कहाँ है बिजली की तरफ, बिजली की तरफ, बिजली आला ऐसा कोई होता है? और बोला कि ये बिजली क्या, बिजली नहीं है, ये लाइट है, ये बिजली नहीं है मालिक, ये बिजली नहीं है फैन है, बिजली किधर है, कहाँ है बिजली? छोटी उम्र में ऐसे आदमी बहुत बहुत पेट्रोल प्रदूषित कर तो रात को दाल पता 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 चलेगा बिजली बिजली को निकाल सकता ना, बिजली को अनुभव कर सकता, बिजली को मैं देख नहीं सकता। इसी तरह परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, देख करना परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। मैंने एक व्यक्ति थे, एक बार बोला आपको परमेश्वर को देख रहा था, गर्मी मौसम में 12 बजे मैंने बाहर खड़ा के मैंने उसको सूर्य जी को तो देख कैसे देखेंगे, आगे खड़ा हो देख। मैंने बोला परमेश्वर ने बनाए और वह करोड़ों चंद्रमा सूर्यमा में एक जगह सूर्य, एक सूर्य को तू अपने नजर से देख नहीं सकता, हजारों ज्योति कोरों को बनाए वो परमेश्वर को कैसे देखेंगे? समझिए मेरे बात, तो परमेश्वर ने अपने नजरों से देख नहीं सकता, अनुभव कर सकता है, अनुभव। हाँ, परमेश्वर अलग अलग रूपों में प्रकट किया, परमेश्वर
19 रोमियो 5:19
समझ से बाहर पहले कुरिन्थी दूसरी अध्याय 10 से 12 तक पढ़िए, पहले कुरिन्थी 10 अध्याय 10 से 12 तक, इब्रानियों पहले अध्याय पहले और दूसरी आयत और हमने पढ़ चुका है, वो दोबारा नहीं पढ़ना, पहले कुरिन्थी दूसरी अध्याय 10 से 12
सिर्फ सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं, इसे यूं परमेश्वर को पढ़ते हैं। नंबर टू, जैसे मैंने आपको बताया 20-1500 और ये 100 के बीच में 1600 साल के बीच में 40 लोग अलग अलग जगह में बैठकर लिखा हुआ बाइबल, उस बाइबल में कहीं भी देखो यीशु मसीह का रूप दिखाई देते हैं, कहीं भी देखो यीशु मसीह का रूप दिखाई देता है। उसका मतलब मैंने अभी आपको बोलकर आया, उसका मतलब एक ही आत्मा ने ये 40 लोगों को इस्तेमाल किया है। नंबर थ्री, कैसे विश्वास कर सकता बाइबल पर विषय का वचन है? बाइबल में ये परमेश्वर का वाणी है, यहोवा का वाणी करके 3000 बार लिखा है, 3000 बार लिखा है बाइबल में, लिखा है यहोवा का वाणी। नंबर फोर, परमेश्वर इंसान का हर एक सवाल का जवाब बाइबल में है, इंसान का एक सवाल के जवाब बाइबल में है। आपको मालूम है ये नास्तिक लोगों का गुरु बने, पता है डार्विन, कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है डार्विन, सुना है डार्विन, डार्विन फिलोसफी, डार्विन सिद्धांत आपने सुना होगा। वो बोलते हैं परमेश्वर इंसान को नहीं बनाया, परमेश्वर है नहीं, इंसान पहले मंकी था, मंकी का पहले रेड्डू है, रेड्डू था, उसका पहले कीड़ा था, कीड़ा बड़ा हो गया, रेड्डू बन गया, रेड्डू बड़ा होकर मंकी बन गया, मंकी का पूंछ निकल गया, इंसान बन गया। ये डार्विन का सिद्धांत, एक बार किसी ने मेरे साथ ऐसे बोला, मैं भी है स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, अभी भी बहुत ही लोग ये विश्वास करते हैं कि मंकी से मनुष्य बना। किसी ने मेरे साथ वाद विवाद करने के लिए आया, मैंने बोला मैं मेरा पापा को जानता है, मेरे दादा को भी जानता है, मेरे दादा का बाप का बारे में भी किताब है, वो मंकी नहीं था। ये मुझे पता है आपका दादा था मंकी, ये मेरा दादा, मेरे तीसरे चौथा पीढ़ी तक मेरे पास लुका है, वो मंकी नहीं था, उसका पूंछ भी नहीं था। मैं बोलने का मतलब डार्विन का बुक में, जो डार्विन है ना उन्होंने जो बुक लिखा है, उस बुक में मैंने सोच है, शायद मेरा अंदाजा है, ऐसे शब्द लिखा है शायद, शायद में भी, लेकिन बाइबल में कभी भी ऐसे नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर ऐसे तुम देते हैं, परमेश्वर को वाणी है, परमेश्वर आज्ञा देते हैं, कोई शक का गुंजाइश नहीं। आपको मालूम है नंबर फाइव, फ्रेडरिक नाम एक महान व्यक्ति, फ्रेडरिक बहुत बुद्धिशाली, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उनके पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, उन्होंने अपना चैप्टर तो बताया, बुक ले गया, बुक तो चैप्टर ने बोला साहब आपका लाइब्रेरी में बहुत बुक है, कौन से बुक ले गया? बुक नाम के लिए हक सिर्फ एक ही बुक है, वो बाइबल है। किसी के साथ बात करता था, उन्होंने बोला परमेश्वर है या बाइबल सच है, बाइबल विश्वास कर सकता है, एक शब्द में जवाब दे दो। आप दे सकते हैं? मैं नहीं दे सकता। एक ही शब्द के साथ बुद्धिशाली के सवाल है, एक ही शब्द के साथ हम सबूत देना है बाइबल परमेश्वर के वचन है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया जीविश यहूदी कलेक्टर सर, आज तो इसराइल है, वहां जूश लोग रहते हैं,
जीवश की हिस्ट्री बाइबल में है, सब जीवश की वार में हम हिस्ट्री पढ़ो हम तो मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। नंबर 6, कैसे विश्वास कर सकता है मैं परमेश्वर का वचन है। बाइबल में पांच में एक हिस्सा और बाइबल का पांच डिवाइड करें उसमें से एक हिस्सा प्रोफेसी भविष्यवाणी। उस भविष्यवाणियों में 80% भविष्यवाणी पूरा हो गया, पूरा हो गया और जितनी क्लास कर गया आपके बारे में कोई भविष्यवाणी अगर पूरा हो गया तो बोलो इतिहास कर गया। इतना भविष्यवाणी पूरा हो गया उनके लिए। नंबर 7, आपको मालूम है इस समय बाइबल कितना भाषा में है पता आपको? मोर देन 3000, 3000 से ज्यादा भाषा में बाइबल तर्जुमा कर चुका है। इतना फेमस हुआ हुआ और कोई बुक दुनिया में नहीं है। फ्रेंड्स, समय की कमी से पढ़ने नहीं चाहते, कुलोसियों पर ले लिया उसका भी शायद। नंबर 8, बाइबल कितना भी पुराना हो जाए इसकी वचन पुराना नहीं होता, उसकी वचन में ताजापन है। तो देखिए कभी भी बाइबल गलती दूर करके दोबारा लिखना नहीं पड़ता, पर सभी जोड़ दो बच्चों ने गलती किया
मैंने चाय पिलाया, लस्सी भी पिलाया, प्रार्थना करके भेजा। आज उसी अजीत नगर में बहुत विश्वास हो गया, बहुत विश्वास हो गया। अब आकर देख सकते मेरे लम्बा पिंड करना सीखे कि अजीत नगर से बहुत विश्वास हो गया। चुनौतियों को अगर ये जनाया, एक उम्र में जनाया, ये बहुत दिलों में बैठे गए। आपने सुना होगा बोलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं, बोलते हैं अपना एक व्यक्ति का नास्तिक का उनमें बोले, मैंने बोले दुनिया से मैं बाइबल को मिटा दूंगा। अगर बाइबल को देखना हो किसी विषय में जाकर देखो, किसी के हाथ में मैंने बाइबल पहनी नहीं देंगी। बोलते हैं बोले हिस्ट्री है तो कहानी नहीं है, लेकिन बोलते मान गया बाइबल सोसाइटी वोल्टेयर का बड़े महल गली का और गली करके पूरा घर के अंदर बाइबल से भर दिया। थोड़ा ताली बजा के परमेश्वर को का वाज
लाइफ क्लास के द्वारा इस देश में फैल जाए के लिए आशीर्वाद करते हैं। शुक्र है आसमान का धन्यवाद करते हैं। शुक्र है आज का किस दिन क्लास में